आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरताली का तीज अर्थात तीजा का व्रत शिव की नगरी सहित संपूर्ण जिले में महिलाओं के द्वारा रखा गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हरताली का तीज, जिसे तीजा या तीज भी कहते हैं, ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी और सौभाग्यवती, जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वे भगवान शंकर और माता गौरी, माता पार्वती की पूजा करती हैं, गौरी शंकर की पूजा करती हैं। ये कुछ कठिन व्रत माना जाता है, करवा चौथ से भी कठिन इसे माना जाता है। करवा चौथ का व्रत चांद को देखने को प्रातः संपन्न हो जाता है, पर वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जला उपास रखा जाता है, जल भी नहीं पिया जाता है। अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत का समापन होता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हरताली का तीज का व्रत जिला मुख्यालय सिवनी, शिव की नगरी जिसे कहा जाता है, यहाँ के सभी प्रमुख शिवालयों में ये मनाया गया, जिसमें सोमवारी चौक, महावीर व्यायामशाला, नर्मदेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहाँ, चंडी चौक, ढीमरी मोहल्ला, मठ मंदिर सहित अनेक देवालयों में से मनाया गया। ढीमरी चौक का ही हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, कितना बड़ा फुलेरा यहाँ पर बांधा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। भगवान शंकर की आराधना करती हुई आपको माता गौरी और भगवान शंकर की आराधना करती हुई यहाँ पर स्त्रियाँ दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यह एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर महिलाएं विधि विधान से पूजन अर्चन करती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। शिव की नगरी में पूरी रात स्त्रियाँ जगती हैं, गाना बजाना होता है। गाना तो नहीं कहा जाए, जिसे भजनों को गाया जाता है। भजन के साथ में शिव आराधना, माता पार्वती की आराधना की जाती है। पूरे विधि विधान से शिव की नगरी में ये हरताली का तीज का व्रत मनाया जाता है, रखा जाता है। कोविड के समय एक अच्छी परंपरा का आगाज किया गया था तत्कालीन जिलाधिकारी प्रवीण सिंह घड़ायच के द्वारा। उस समय घर घर जाकर जो विसर्जन सामग्री को एकत्र किया जाता था और उस विसर्जन सामग्री को जानकार विद्वानों की उपस्थिति में उसका विसर्जन करवाया जाता था। बाद में पर कोविड के बाद ये परंपरा समाप्त हो गई, लोग अपने घरों से अपने साधनों से इसे लेकर जाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह यहाँ महिलाएं भजन गाती हुई दिख रही हैं। भगवान शिव की आराधना में लीन महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी और भजन कीर्तन करते हुए वे भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। ऐतिहासिक मठ मंदिर, सिवनी का ऐतिहासिक मठ मंदिर आपको दिख रहा होगा और इस मठ मंदिर में आप यहां देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहां पर लगी हुई दिखाई दे रही होगी। मठ मंदिर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। मठ मंदिर में महिलाओं की तादाद आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। मठ सरकार और कितना बड़ा फुलेरा, और उस फुलेरे को इन सभी महिलाओं के द्वारा फुलेरा बांधा गया है और इस फुलेरे को यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे शिवलिंग और शिवलिंग की पूजा करती हुई महिलाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अभी हमने आपको नर्मदेश्वर महादेव भैरवगंज स्थित महावीर व्यायामशाला, वहाँ का हमने दिखाया।
सोमवारी चौक का नज़ारा दिखाया है, चंडी चौक, डीमरी मोहल्ला और मठ मंदिर, यहाँ चार जगहों का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। भगवान शिव की आराधना यहाँ लगातार जारी है। मठ सरकार, मठ मंदिर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं इस इवनिंग में। अगर जिलाधिकारी चाहें, वैसे सांसद और विधायकों को इस मामले में पहल करनी चाहिए थी, पर अभी तक पहल नहीं की गई। जिस तरह महाकाल लोक बनाया गया, उस तरह मठ महालोक की परिकल्पना को भी साकार किया जा सकता है, पर पता नहीं क्यों सिवनी में चुने हुए सांसद विधायकों के द्वारा अब तक इसमें दिलचस्पी नहीं ली गई। अब नए सांसद आ गई हैं, भारती पारदी, उनसे भी अपेक्षा है और चारों विधायकों से भी अपेक्षा है। यहाँ पर भजन आप सुन रहे हैं, महिलाएं भजन सुन रही हैं, भजन में भगवान के भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर आपको महिलाएं दिख रही होंगी और भजन गायक भी यहाँ पर भजन की प्रस्तुति देते हुए नज़र आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।